कि ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, इट इज अ टेक्निकल चैप्टर, आपको ऐसे ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो हम लोग सबसे पहले दो शब्द का मतलब समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में, बहुत शॉर्ट रखेंगे आज की क्लास को, ठीक है, ताकि आपको बस उसी सब्जेक्ट का प्लॉट बता के, इस चैप्टर का प्लॉट बता के, और आपके माइंड को हम इस चीज के एक्सरसाइज के लिए छोड़ दें कि आप इस चीज को ग्रैप्स कर पाए, तब कल हम इसके अंदर आपको इसके पॉइंट्स, इसके थेसिस, जो भी इसमें चीजें हैं वो सारी चीजें इसके अंदर डालेंगे आपके साथ में, ठीक है। सबसे पहले हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट, हु इज अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर कौन होता है। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है। और तीसरा पॉइंट, यूटिलिटी, ये जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है, और ये इक्विलिब्रियम को पढ़ने में कहाँ से आ जाती है, ठीक है, क्यों आ जाती है, कहाँ से आ जाती है, क्या जरूरत पड़ जाती है यूटिलिटी को पढ़ने की, ठीक है। हो सकता है चीज आपके दिमाग में एक बार में ना जाए, तो घबराएंगे नहीं, आप तुरंत मेरे से वापस पूछेंगे कि सर नहीं समझ में आया, आपको ये एग्जाम्पल दे करके या कुछ ऐसे करके समझाइए या बताइए, ठीक है। शुरुआत करते हैं, हु इज अ कंज्यूमर, बताइएगा कंज्यूमर कौन होता है। आप अपनी समझ से पहले कंज्यूमर को मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, ताकि मुझे समझ आए कि आप कितना समझ पा रहे हैं। हु इज अ कंज्यूमर, ठीक है, चलिए। बोलता है कंज्यूमर के बारे में इन्होंने बोला, कंज्यूमर इज एनी वन, इज एनी वन हु परचेजेस आइदर गुड्स और सर्विसेस एंड पे कंसिडरेशन इन एक्सचेंज। ये इंपॉर्टेंट बात है, पे कंसिडरेशन, ठीक है। क्या इस डेफिनेशन से सभी लोग सहमत हैं, सबको ये डेफिनेशन समझ में आ गया, कंज्यूमर का डेफिनेशन। ठीक, हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जो बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है के बदले में, कंसिडरेशन का मतलब होता है के बदले में, पे कंसिडरेशन इन एक्सचेंज। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो कोई सामान खरीदता है या कोई सेवा खरीदता है और उसके बदले में कुछ पे करने को तैयार है। और कंसिडरेशन का मतलब तो आपको पहले भी बता चुके हैं हम, आइदर इन कैश और इन काइंड, या तो पैसे के रूप में या बदले कोई दूसरे सामान के रूप में, ठीक है, उसी को हम कंज्यूमर बोलते हैं, उसी को हम कंज्यूमर बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई अ कंज्यूमर, व्हाई अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब बेटा समथिंग इन रिटर्न होता है। व्हाई अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे समथिंग इन रिटर्न, सामान और सर्विसेज के बदले में कंज्यूमर कुछ देने को क्यों राजी है। बताइए, क्योंकि वो सामान, वो जो भी गुड्स या सर्विसेज है उसके लिए उपयोगी है, उपयोगी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो सामान या वो सर्विस उस पार्टिकुलर कंज्यूमर को अपने लाइफ में उपयोगी लगता है। दैट्स वाई दैट पार्टिकुलर पर्सन एक्स वाई जेड जो भी है वो उस पार्टिकुलर सामान के बदले में पैसा, या तो पैसे के फॉर्म में या किसी और दूसरे फॉर्म में कुछ ना कुछ देने को राजी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये एक मार्कर है
और अगर आपके जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है तो क्या आप इसके लिए मुझे ढेला पत्थर भी दीजिएगा इसको खरीदने के लिए? नहीं। क्या तब आप कंज्यूमर कहलाएंगे? नहीं, नहीं। कंज्यूमर कहलाने के लिए जो शब्द सबसे जरूरी है वही शब्द है यूटिलिटी। कंज्यूमर कहलाने के लिए जो शब्द सबसे जरूरी है दैट इज यूटिलिटी, वो शब्द यूटिलिटी है। तो ना अब सिर्फ कंज्यूमर और यूटिलिटी को रखते हैं, इक्विलिब्रियम को थोड़े बाद में लाएंगे अपने पास। बस इन्हीं दो शब्दों पे चर्चा करते हैं, कंज्यूमर एंड यूटिलिटी। देन व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी का हिंदी होता है उपयोगिता। उपयोगिता, तो यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी को बोला जाता है इट इज द पावर ऑफ एनी कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यही यूटिलिटी है भाई। यूटिलिटी क्या है? किसी प्रोडक्ट के अंदर का वो पावर जो मनुष्य के किसी जरूरत को पूरा करता है उसकी यूटिलिटी कहलाता है। मैंने बोला इस मार्कर की क्या यूटिलिटी है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस मार्कर? ये लिखने के काम आता है, ठीक है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड? ये किसी चीज को एक्सप्लेन करने के काम आता है, हाँ लिख करके एक्सप्लेन करने के काम आता है, ठीक है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इंटरनेट? दो रिमोट लोगों को जोड़ने के काम आता है, टू रिमोट पर्सन्स, जैसे मैं और आप दो रिमोट लोग हैं, ठीक है। एक अपने घर पे बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूं, ठीक है। ये रिमोट लोगों को जोड़ने के काम आ रहा है यूटिलिटी, ठीक है। हाँ, तो अब एक सवाल पूछता हूं कि इफ अ प्रोडक्ट डजेंट हैव अ यूटिलिटी, अगर किसी प्रोडक्ट की कोई यूटिलिटी नहीं होगी, देन कैन दिस प्रोडक्ट बी परचेज्ड बाय समवन? नो। सिंपल, अगर किसी सामान की उपयोगिता नहीं है मेरे जीवन में तो मैं वो सामान नहीं खरीदूंगा। सिंपल सी बात है, बात समझ में आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सब लोग को, कोई आदमी सिगरेट नहीं पीते हैं, मान लिया सिगरेट नहीं पीते हैं, तो क्या वो सिगरेट मेरे लिए यूजेबल है? नहीं है। हम लोग, कोई आदमी ड्रिंक नहीं करते हैं, तो क्या अल्कोहल हमारे लिए यूजेबल है? नहीं। तो क्या हम उसके कंज्यूमर कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्या हम उसके लिए पैसा देने को रेडी होंगे? नहीं रेडी होंगे, बिकॉज उसकी मेरे लाइफ में यूटिलिटी नहीं है। लेकिन क्या उस प्रोडक्ट की अपनी कोई यूटिलिटी है कि नहीं है, यह बताइए। दो बातें हैं, कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी होना अलग बात है, और क्या उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है कि नहीं है, यह अलग बात है। तो whether that particular cigarette puff or that particular alcohol bottle has a utility or not, उसकी यूटिलिटी है कि नहीं है? हाँ है, है उसकी यूटिलिटी है। That product is has utility for a person to whom that product is useful. अगर यूटिलिटी होती ही नहीं तो भाई साहब वो मार्केट में होता ही नहीं। क्या ये बात समझ में, क्या ये बात समझ में, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देन वो प्रोडक्ट यूनिवर्स में है बिकॉज उसकी यूटिलिटी है। लेकिन यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द यूजर। एवरी प्रोडक्ट इज अटैच्ड विथ यूटिलिटी। हर प्रोडक्ट के पास बेटा यूटिलिटी है, बट इट डिपेंड्स दैट
अ पार्टिकुलर कंज्यूमर वांट्स दैट प्रोडक्ट और नॉट, वो उसको चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो वो व्यक्ति उसका कंज्यूमर बनेगा और अगर नहीं चाहिए तो वो व्यक्ति उसका कंज्यूमर नहीं बनेगा। जिसको जिसको उसमें यूटिलिटी दिखाई देगी वो व्यक्ति उसका कंज्यूमर बनेगा। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक ठीक आगे बढ़ते हैं। इज एरोप्लेन हैविंग एन यूटिलिटी? क्या एरोप्लेन में यूटिलिटी है? बिल्कुल। क्या निडल में यूटिलिटी है? निडल सुई में यूटिलिटी है? यस यस। एनी प्रोडक्ट आइदर इट इज अ एरोप्लेन उतना बड़ा हो, आइदर इट इज अ शिप और इट इज अ सिंपल सेफ्टी पिन और इट इज अ सिंपल निडल, ठीक है, और इट इज अ पेपर क्लिप, हर चीज की अपनी यूटिलिटी अटैच्ड है, ठीक है। और यूटिलिटी का मतलब क्या? यूटिलिटी का मतलब कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग, मनुष्य के वांट को सेटिस्फाई कर देने का जिस सामान के अंदर पावर है वो सब सामान यूटिलिटी योग्य है, वो सारे सामान में यूटिलिटी है। Every product has utility. Now, the concept is that utility is a very subjective matter and the utility of a product depends upon the user of the product. If the user finds that that particular product is in the need, then that person will become the consumer of that product, else that person will not become the consumer for that product. And depending upon that situation, though a product is having utility, it may be demanded in the market or it may not be demanded in the market depending upon the preferences of the consumer. But it is very much clear from the previous discussion that everything which upholds in an economy, which is in a particular physical condition in the universe, attaches some utility to it. It depends upon the person to person whether that particular product is useful for that particular person or not. But everything attach utility to it. Har cheez ke saath mein utility hai. यहां तक बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो थोड़ा और आगे बढ़ें। एकदम क्लियर है? ठीक, चलो। तो हु इज अ कंज्यूमर? अ पर्सन हु फाइंड्स अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस यूजफुल एंड ही इज एग्री टू पे फॉर दैट इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। कंज्यूमर कौन है? एक व्यक्ति जिसको उस सामान के अंदर की यूटिलिटी पसंद आई है और वो उस सामान को कुछ पैसा दे करके खरीदने को और उस प्रोडक्ट को यूज करने को रेडी है, उसी को कंज्यूमर बोलते हैं। क्या भैया ये बात क्लियर है? ठीक है, तो रूट क्या हुआ? जर कहां है? जर कंज्यूमर है या जर यूटिलिटी है? जर बेटा यूटिलिटी है, यूटिलिटी है, जर यूटिलिटी है। और यूटिलिटी से ही निकलता है ऊपर का पेद जो बनाता है कंज्यूमर, जो निकालता है डिमांड, जो मार्केट में किसी चीज की वैल्यू कराता है। एवरीथिंग इट डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी नहीं होगी, अगर चीज रद्दी है, कहने का मतलब कि वो ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, देन दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट ही कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी चीज को प्रोडक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा तो उसका कभी भी कंज्यूमर बन ही नहीं सकता है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, फिर तो एक बात मैं और भी बता दूं कि एनीथिंग कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। किसी भी चीज को प्रोडक्ट कह सकते हैं, पता है क्यों? बिकॉज उसके अंदर किसी ना किसी के लिए यूटिलिटी निकल ही जाएगी, किसी ना किसी के लिए यूटिलिटी निकल ही जाएगी। मैंने बोला वेस्ट मटेरियल, वेस्ट, वेस्ट समझते हैं क्या होता है? ठीक है, कचरा, कचरा, हाउसहोल्ड वेस्ट, ठीक है। क्या हाउसहोल्ड वेस्ट की यूटिलिटी है? क्या हाउसहोल्ड वेस्ट की यूटिलिटी है? हाउसहोल्ड वेस्ट की यूटिलिटी है भाई साहब, तभी कचरा वाला खरीद के ले जाता है, कबाड़ वाला खरीद के ले जाता है, ही इज पेइंग मनी फॉर दैट, ठीक है। एनीथिंग फॉर विच मनी इज पेड मस्ट हैव सम यूटिलिटी, सिंपल सी बात है। कचरा वाला भी तो कचरे का कंज्यूमर है,
जो आपके यहाँ आता है कचरा वाला, जो पेपर ले जाता है, रद्दी पेपर, रद्दी कागज, रद्दी प्लास्टिक, रद्दी बॉटल ले जाता है, ठीक है, वो भी तो उसके लिए कंसिडरेशन दे रहा है। इसका मतलब उसको भी तो उसमें यूटिलिटी दिखाई दे रही है। अगर यूटिलिटी नहीं दिख रही होती तो वो क्यों पैसा दे करके ले जाता? क्या ये बात समझ में आती है? तो इवन वेस्ट मटेरियल्स हैव यूटिलिटी। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी भी यूटिलिटी होती है। समझ रहे हैं यहां तक बात समझ में आती? तो हमने दो बातें करी, पहला हमने बोला यूटिलिटी क्या होती है, दूसरा हमने बोला कंज्यूमर कौन होता है। हमने बोला कि भैया जो व्यक्ति जिसको किसी चीज में यूटिलिटी दिखाई देती है और वो उसको खरीदने के लिए पैसा देने को जब राजी होता है तो उसी को हम कंज्यूमर बोलते हैं। मतलब चैप्टर की शुरुआत होती है यूटिलिटी से, और यूटिलिटी जब बढ़ती है तो एक नए चीज को जन्म देती है जिसको हमने बोला कंज्यूमर, ठीक है। और जब कंज्यूमर जन्म लेता है आपके दिमाग में, तो कंज्यूमर के जन्म लेते ही आपके दिमाग में एक बात और आपको तुरंत क्या होती है, स्ट्राइक करती है माइंड में, और वो होता है प्राइस। बिकॉज जब बात होती है कंज्यूमर की तब बात होती है पैसे की। क्या ये बात समझ में आता है? ठीक। तो जब बात होती है पैसे की तो सबसे पहला सवाल होता है कितना पैसा। किसी भी सामान का कितना पैसा, किसी भी सामान को आप कितने में खरीदेंगे, इसको आप कितने में खरीदेंगे? इसको आप 500 में खरीदेंगे क्या? अरे खरीदेंगे भाई साहब, आप इसको 500 में भी खरीदेंगे, ठीक है। जब पूरे मुजफ्फरपुर में ये एक अकेला मिल रहा होगा और आपको लिखना बहुत जरूरी होगा, आप इसको 500 में भी खरीदेंगे। मेरे जैसा आदमी हो सकता है इसको किसी दिन 1000 रुपए में भी खरीद ले। मेरे जैसा आदमी हो सकता है इसको किसी दिन 1000 रुपए में भी खरीद ले। बात समझ में आ रहा है? खरीदेंगे आप, खरीदेंगे। प्राइस इज ऑलवेज अटैच्ड टू यूटिलिटी। प्राइस हमेशा किस चीज से अटैच होती है बेटा? यूटिलिटी से। चीज आपको जितना ज्यादा यूटिलाइज लगेगा, चीज की उपयोगिता आपको जितनी लगेगी, उसका कॉस्ट, उसका प्राइस मार्केट में क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। हम आपको एक मूवी बताते हैं, मूवी देखा करें, मूवी से बहुत सारी जानकारी होती है, ठीक है। मूवी एंटरटेनमेंट के अलावा जानकारी भी बहुत देती है। एक मूवी है अजय देवगन की, ठीक है, कंगना रनौत के साथ। मूवी का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। देखा है मूवी आप लोगों ने? ठीक है, जिसमें इमरान हाशमी भी है शायद, ठीक है। उसमें आपको एक सीन याद होगा जब अजय देवगन जाता है फिल्म सेट पे कंगना रनौत से मिलने के लिए फर्स्ट टाइम, अमरुद वाला, जी बिल्कुल। वो उससे क्या बोलता है, ये अमरुद कितने का दिया? फिर वो उससे बोलता है फर्ज करो ये अमरुद ऐसे है, फिर बोलता है फर्ज करो ये एक अमरुद ऐसे है, फर्ज करो कि ये पूरे दुनिया का अकेला अमरुद है, ठीक है। उसके बाद उसका प्राइस देखते हैं आप क्या होता जाता है। पहले वो 10 रुपए का होता है, फिर वो 100 रुपए का होता है, फिर वो 1000 रुपए का होता है। क्यों? बिकॉज उस अमरुद की अटैच्ड यूटिलिटी धीरे धीरे पता है क्या होती रहती है बेटा, बढ़ती चली जाती है। समझ रहे? तो वो कंसेप्ट हम यहां लाना चाह रहे हैं कि भाई किसी सामान का प्राइस कंज्यूमर कितना देने को रेडी है, तो दैट विल बी इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूं, प्राइस विल बी इक्वल टू, बोलिए, पढ़ लीजिए, प्राइस जो कंज्यूमर देने को रेडी है दैट विल बी इक्वल टू यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। दैट लिखना छोड़ गया, फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। क्या ये बात आपको समझ में आई, पल्ले पड़ी आपके? हेलो, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट से जितनी उसको यूटिलिटी डिराइव हो रही होगी वो कंज्यूमर उतना प्राइस देने को रेडी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड इन द टर्म्स ऑफ द रुपीज या जो करेंसी होगी, जिस भी करेंसी में यूटिलिटी। अगर मेरे को अल्कोहल से कोई यूटिलिटी डिराइव नहीं हो रही है, क्या हम ढेला पत्थर भी अल्कोहल के लिए देने को रेडी होंगे? हमको कोई बोले कि 2 रुपए का तुमको एक बोतल देते हैं ले लो, हम 2 रुपए के, हम 50 पैसे का ना ले, अगर अपने को उसकी यूटिलिटी नहीं, ठीक है। मुझे कोई कहता है, ठीक है, मुझे कोई कहता है कि भाई डेरी मिल्क बबल्स है
₹50 का आता है, ले लो तुमको हम ₹5 में दे रहे हैं। बोले भाई हम चॉकलेट खाते ही नहीं, मेरे लिए कोई यूटिलिटी अगर उस प्रोडक्ट की नहीं है तो हम उसके लिए ₹5 क्या ₹2 भी कोई कहेगा देने को रेडी होगा, हम नहीं देंगे। हाँ कोई फ्री में दे देगा तो हम लेके किसी को दे देंगे, वाह वाही लूटने के लिए, वो अलग बात, ठीक है। लेकिन जब कंज्यूमर बनने की बात आएगी, कंज्यूमर, और बेटा कंज्यूमर का डेफिनेशन ही कहता है कि सामान के अगेंस्ट में आपको पैसा देना पड़ेगा, चाहे आप ₹1 दें, चाहे ₹2 दें, चाहे ₹10 दें, ठीक है। तो जब कंज्यूमर बनने की बात आएगी, जब तक मुझे प्रोडक्ट में यूटिलिटी दिखाई नहीं देगी, मैं कंज्यूमर नहीं बनूंगा, मैं या आप या कोई भी, ठीक है, कंज्यूमर नहीं बनेगा। कंज्यूमर बनने के लिए प्री रिक्विजिट है कि यूटिलिटी दिखाई देनी चाहिए, और प्राइस आप कितना पे करोगे तो प्राइस आप उतना ही पे करोगे जितना आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट से मुझे उपयोगिता मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है। बोलिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां तक समझने में कोई कठिनाई हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, एकदम टकाटक चल रहा है, चलिए आगे बढ़ते। अब आपको समझाते हैं इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर और यूटिलिटी समझ में आ गया ना पक्का? ठीक है, ठीक। अब क्या कि सबसे पहले यूनिट का जो नाम है, चैप्टर का जो नाम है, वो नाम समझ में आना चाहिए ना। तो चैप्टर के नाम में पहला वर्ड था कंज्यूमर और दूसरा वर्ड है क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पहले तो बोलना सीखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है, बोलिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, हाँ ठीक है, हाँ। ये दो शब्द से बना है, पहला इक्वल प्लस आइब्रियम, ठीक है। इक्वल का मतलब इक्वल होता है और आइब्रियम का मतलब होता है, इक्वल का मतलब तो सबको पता है सेम, बराबर, आइब्रियम का मतलब होता है स्टेट, स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं दशा, स्थिति, परिस्थिति, कुछ भी बोल सकते हैं, एवरीथिंग डिपिक्ट्स द सेम मीनिंग, ठीक है। बोलता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेट, इसका इक्विलिब्रियम का दूसरा वर्ड होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हिंदी बोलते हैं समानता की स्थिति, ठीक है, स्थिरता, स्टैटिकनेस, स्टैटिक पॉइंट, अ सिचुएशन ऑफ नो चेंज, ठीक है, नो मूवमेंट, जो समझना चाहिए समझ लीजिए, जिस तरीके से अपने माइंड में रखना चाहिए रख लीजिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समानता की स्थिति, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू डोंट वांट टू मूव। ये दिख रहा है मेरा हाथ, दिख रहा है, ठीक है, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू डोंट वांट टू मूव, नाइदर यू वांट टू मूव डाउनवर्ड नॉर यू वांट टू मूव अपवर्ड, ना आप ऊपर जाना चाहें ना आप नीचे आना चाहें, इट्स अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट्स अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, समानता की स्थिति, या पॉइंट ऑफ स्टैग्निटी, ठीक है, स्टैग्नेंस, यू डोंट वांट टू मूव आइदर अपवर्ड यू डोंट वांट टू मूव आइदर डाउनवर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। अ सिचुएशन ऑफ नो चेंज, नो मूवमेंट, स्टैटिक पॉइंट, जिस तरीके से अपने माइंड को समझाना समझा लीजिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है। तो बोलता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज अ पोजीशन वेयर द कंज्यूमर वांट्स टू रिमेन स्टैटिक, कंज्यूमर डोंट वांट टू मूव अप और मूव डाउन, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकलिटी इट इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट, कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द प्राइस ही और शी इज पेइंग।
ठीक है, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम फायदा होता है और कंज्यूमर ना तो उस सिचुएशन से ऊपर जाना चाहता है क्योंकि ऊपर और कोई सिचुएशन आएगा नहीं, और ना वो उस सिचुएशन से नीचे आना चाहता है क्योंकि नीचे वो क्यों आएगा। यहां पे एक ऐसा पॉइंट है वेयर कंज्यूमर इज डिराइविंग द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट बाय पेइंग द प्राइस। तो ऑब्वियसली बेटा अगर कोई समझदार कंज्यूमर होगा, रेशनल कंज्यूमर, समझदार का इंग्लिश होता है रेशनल, RATIONAL, रेशनल, अगर कोई रेशनल कंज्यूमर होगा तो क्या ये इस पोजीशन से मूव करना चाहेगा? मैं कह रहा हूं कि ऊपर और बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऊपर और बेनिफिट नहीं मिलेगा, और नीचे जाइएगा तो फिर आप समझ ही रहे हैं, तो नीचे जाइएगा तो बेनिफिट क्या है, कम है कि ज्यादा है? कम है, तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू स्टिक एट दिस पोजिशन, आप इस पोजिशन पे रुके रहना चाहते हैं, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो चैप्टर का नाम है। कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर का हिंदी क्या होता है? उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है, ग्राहक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ रेस्ट जहां ग्राहक क्या है, इक्वलाइज कर गया है, ठीक है, वो इक्वलाइज कर गया है, अब उसको मूव करने का मन नहीं करता, ऊपर बढ़ेगा यूटिलिटी उससे ज्यादा मिल नहीं सकती, नीचे जाएगा यूटिलिटी कम मिलेगी, तो बेवकूफ थोड़ी है कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर बोलेगा ये आ जाए, आ गए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आके रुक गए, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो वी शुड हैव टू रीड इन दिस चैप्टर कि हाउ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी स्ट्राइकन इन द मार्केट, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्केट में स्ट्राइक कैसे करेगा। कंज्यूमर मार्केट में इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा, क्या ये बात समझ में आई कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में वी हैव टू स्टडी हाउ द कंज्यूमर विल प्लान एंड अटेन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कैसे प्लान करके इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा। तो मैं तीन बातें लिख रहा हूं, प्राइस ग्रेटर देन सेटिस्फैक्शन, ठीक है, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है? मैंने बोला प्राइस पेड, प्राइस पेड इज मोर देन व्हाट द सेटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है? नहीं, नहीं बेटा, कंज्यूमर अगर ज्यादा प्राइस पे किया है और सेटिस्फैक्शन कम मिला है तो बेचारा चिंतित है, उलझन में है, परेशानी में है, कह रहा है कि हम ठगा गए। क्या बोलिए, ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, प्राइस पेड इज लेस देन सेटिस्फैक्शन, प्राइस पेड इज लेस देन सेटिस्फैक्शन, बोलिए, पर्सन इक्विलिब्रियम पे हो ही नहीं सकता है यश बाबू, ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर अगर बुद्धिमान है तो प्रोड्यूसर बेवकूफ है क्या जी, बताइए, नहीं ना बेवकूफ है? तो भाई कोई भी प्रोड्यूसर जो अपना सामान बेच रहा है बाबू, वो प्राइस कम चार्ज करेगा और अगले को ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे देगा। मार्केट बेटा, मार्केट में दोनों ही बुद्धिमान है, प्रोड्यूसर भी बुद्धिमान है और कंज्यूमर भी बुद्धिमान है, क्या कन्हैया बाबू बताइए, ₹5 वाला केक आप ₹3 में बेचिएगा, कहे बेचिएगा? बिल्कुल नहीं बेचेंगे, ठीक है भाई, हम ₹5 की चीज ₹3 में कहे बेचेंगे? हम जो प्रोड्यूसर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो बेवकूफ हैं क्या? तो क्या ये वाला सिचुएशन आएगा, क्या ये वाला सिचुएशन कभी आएगा? नॉर्मल नॉर्मल मार्केट में ये सिचुएशन बेटा आएगा ही नहीं, जब कंज्यूमर को क्या मिले, प्राइस कम देना पड़े और सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो भाई इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन हुआ,
इक्विलिब्रियम का कंडीशन हुआ, प्राइस विल बी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन या यू कैन से यूटिलिटी अचीव्ड। जी तो कंज्यूमर आ जाएगा सेटिस्फैक्ट, तब कंज्यूमर आ जाएगा इक्विलिब्रियम। दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोल। यहां से कोई हिलना चाहेगा? कोई नहीं हिलना चाहेगा। No consumer will want to move from this position, and that's why it is called as consumer's equilibrium point. ठीक है, and equilibrium का मतलब आप समझ चुके हैं, equilibrium का मतलब होता है point of stagnation. ठीक है, स्थिरता की वो जगह, ठीक है, जहां से कोई हिलना ना चाहे। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई कि consumer's equilibrium का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए हैं तो कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो कल हम फॉर्मली पहले आपको यूटिलिटी क्या होती है ये समझाएंगे। यूटिलिटी में अपने को दो इकोनॉमिस्ट के कंसेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, पहले हम लोगों को कार्डिनल अप्रोच, ये सब नया नया नाम है, ठीक है, थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कार्डिनल अप्रोच पढ़ना है, ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ना है। ठीक है, दो चार इकोनॉमिस्ट के नाम आपके पास आएंगे, मार्शल का नाम आएगा, हिक्स का नाम आएगा, ठीक है, एडम स्मिथ का नाम आएगा, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, जिन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ठीक है, जिनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट्स मार्केट में आया है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये मेरा निकाला हुआ या आपका निकाला हुआ तो है नहीं। ठीक है, ये कोई बड़े विद्वान इकोनॉमिस्ट लोगों का निकाला हुआ है। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आज मैंने आपके माइंड में सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये डाला है। ठीक है, कंज्यूमर कौन होता है, यूटिलिटी क्या होती है और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, बिकॉज इट इज द रूट ऑफ दिस होल यूनिट, ये पूरे यूनिट का रूट है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो इसके ऊपर जितने ब्रांचेस हैं सारे ब्रांचेस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको इतने ही पॉइंट पे छोड़ेंगे। आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, किसी किताब से कोई लाइन अभी नहीं पढ़नी है, जब पढ़नी होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जब मैं बता देता हूं तो आप पढ़ते ही नहीं है तो फिर अभी तो क्या ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो अभी ना पढ़ें, जब मैं बोलूंगा तब आप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी दो तीन क्लास होने दें, फिर आपको जब मैं बोलूंगा कि आप पढ़िए तो आप पढ़िएगा। ठीक है, होप सो आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अभी की बात यहीं तक हम लोग रखेंगे, कल सुबह मॉर्निंग की क्लास जैसे एज शेड्यूल होती है वैसे चलेगी। ठीक है, और शाम की क्लास में हम लोग आगे जैसे करते हैं वैसे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके है, तो अभी हम लोग मीटिंग एंड करते हैं, हम लोग फिर कल सुबह मिलते हैं एज शेड्यूल अपने टाइम पे। ठीक है, और क्लास रिकॉर्ड कर दी है मैंने, अपलोड मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके।